हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम जनरली ये चेक करेंगे कि जो समीकरण बनने जा रहे हैं, जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो समीकरणों के हल कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे भी हल निकाले जाते हैं, वो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ध्यान दें, यहां पर हमारे पास समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, जैसे जैसे हम x का मान रखते जाएंगे, वैसे वैसे y का कोई मान निकलता चला जाएगा। यहां पर x क्या है, एक स्वतंत्र चर है, और यहां पर y क्या है, एक तरीके से इसके ऊपर डिपेंड है, y s के मान के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर इसके कितने मान निकलेंगे, ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम 0 रख देते हैं तो y का मान 5 निकल जाएगा, 1 रखेंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 3 और 6 6 5 11, y का मान 11 हो जाएगा, 4 रखेंगे 4 3 12 और 5 17, y का मान 17 हो जाएगा। मतलब यहां पर हम x के मान जितने ज्यादा रखेंगे, y के मान उतने ही ज्यादा आते चले जाएंगे। तो हम रख के देख लेते हैं, x बराबर 1 तब y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 करेंगे 3 और प्लस 5 8, जब x बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, y बराबर 5, x बराबर 2 रख देते हैं तो 3 दून 6 6 5 11, तब y बराबर 11, x बराबर मान लो 10 रख देते हैं तब क्या हो जाएगा, 10 3 30 30 प्लस 5 35, तो y मान 35। मतलब इस तरह से आप जिस x के मान रखिए अपने मान आते चले जाएंगे। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित मतलब अनिश्चित रूप से आप कितने भी मान निकाल सकते हैं, इसलिए इसके अनेक हल है। तो हमारे इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल निकालने हैं, 4 हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक समीकरण मतलब दो चर है, इसमें से एक चर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी संख्याओं दूसरी तरफ। तो यहां पर हम y को रख लेते हैं और ये 7 अपनी जगह पे है, ये 2x इधर प्लस का है, इधर जाकर ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मान रखते हैं कि अगर हम y का मान 1 रखते हैं तब नहीं, x का मान 1 रखते हैं, पहले x बराबर 1 रख लो, तो यहां 2 एकम 2 मतलब 7 माइनस 2 हो जाएगा, तब y का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 2 हटाएंगे तो 5, ये 1 हो गया। दूसरा निकालो, जब x बराबर हम मान लीजिए 2 रख देते हैं तब y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 करेंगे 4, 7 में से 4 गए तो 3। तीसरा मान और कितने समीकरण 4 हल निकाल लेना, x बराबर मान लीजिए कि हम 0 रख देते हैं तब y बराबर 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, मतलब 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही बचेंगे। d चौथा मान, x बराबर मान लीजिए कि हम अपनी मर्जी से माइनस 1 रख देते हैं, दो तरह की संख्या रख सकते हैं ना, प्लस माइनस की 0 रख सकते हैं, तब y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस 1 से माइनस 2 गुणा होकर प्लस के 2 हो जाएंगे, और प्लस के 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये 4 मान हो गए किसके, पहले वाले समीकरण में। दूसरे में देखें, यहां पर y को रख लेते हैं, 9 इधर है, ये पाई एक्स है ना, ये इधर जाकर माइनस का पाई एक्स हो जाएगा। पहला मान निकालो, यहां पर हम x का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तब y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई, x बराबर अगर 2 रखेंगे तब y क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुणा पाई, 2 पाई हो जाएगा। x बराबर अगर हम यहां पर माइनस 1 रख देते हैं तब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस से माइनस पाई से माइनस 1 गुणा होकर प्लस का पाई हो जाएगा, मतलब 9 प्लस पाई। अगर हम x बराबर 0 रख देते हैं तब क्या हो जाएगा, यहां पर ये संख्या 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगी, मतलब 9 में 0 जाएगा तो y का मान केवल 9 ही बचेगा। तो ये हमारे पास में 4 मान हुए, a b c और d। इसी तरीके से तीसरा सवाल देखो, यहां पर x का मान निकला हुआ है पहले से, तो x यहां पर अपनी मर्जी से y का मान लिखते हैं, y का मान 1 रखेंगे तब x का मान क्या हो जाएगा, यहां पर 4 गुणा 1 करेंगे 4 है ना, और इसी तरीके से y का मान अगर हम 2 रखते हैं तब
एक्स का मान क्या हो जाएगा, दो गुना वाई मतलब दो दुनी और चार दुनी आठ, एक्स का मान आठ हो जाएगा। अगर हम वाई का मान जीरो रख दे तब एक्स का मान क्या हो जाएगा, अगर हम वाई को मतलब चार को जीरो से गुणा कर दे तब जीरो हो जाएगा। वाई का मान अगर हम माइनस एक रख दे तब एक्स का मान क्या होगा, एक्स बराबर माइनस एक को चार से गुणा करने पर माइनस के चार। इस तरह से हमारे पास में ये चार मान निकल कर आते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल हुआ है, दूसरे में चार चार सवाल पूछे थे हमसे तो हमने कर लिए। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखिए, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस दो वाई बराबर चार के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। पहले हम समीकरण लिखते हैं, यहां पर x माइनस दो वाई बराबर चार। अगर मैं x को यही रहने दूं, चार को यही रहने दूं और ये दो x माइनस दो वाई है ना, इसको इधर ले जाकर मैं जोड़ देता हूं तो ये हमारे पास समीकरण ये बन जाएगा। अब हम y का मान अगर दो रखते हैं, y का मान दो रखने पर अगर x का मान जीरो आता है तो ये हल हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो x बराबर चार प्लस दो गुणा दो, तो दो दुनी चार, चार और चार आठ हो जाते हैं, तो ये कितना हो गया आठ। तो यहां पर हम लिखेंगे हल नहीं है, नहीं है मतलब ये हो गया, पूछ रहा था हल है नहीं है, तो ये हल नहीं है। यहां पर उसी तरीके से हम रखते हैं ये वाला x बराबर चार प्लस दो वाई, इसी चीज को रख रहे हैं वापस, है ना। अब यहां पर हम ये मान रखेंगे हम जीरो, किसका y का मान चार प्लस दो गुणा जीरो, तो देखो ये सीधे जीरो हो जाएगी, केवल चार बचेगा x बराबर चार। तो यहां पर लिखेंगे हल है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखो x बराबर चार प्लस दो वाई, यहां पर हम y का मान जीरो रखेंगे तो चार प्लस दो गुणा जीरो, तो यहां पर क्या मान निकल के आएगा x बराबर चार, x बराबर चार निकल के आया, इसका मतलब क्या है हल है, ये हो गया। चौथा देखो, यहां पर x बराबर चार प्लस दो वाई, यहां पर हम y का मान क्या रखेंगे चार प्लस दो वाई, चार प्लस दो गुणा चार अंडर रूट दो, तो यह हो जाएगा चार प्लस चार दूनी आठ अंडर रूट दो एक्स का मान, एक्स का मान यहां पर तो दो दे रहेगा, यहां पर चार अंडर रूट दो, तो यहां पर ये क्या है हल नहीं है, हल नहीं है। इसमें देखो हमारे पास में एक्स बराबर चार प्लस दो वाई है, वाई का मान एक रखते हैं इसमें, तो एक्स बराबर चार प्लस दो गुणा एक, तो दो एकम दो, दो को हम चार में जोड़ेंगे कितना आएगा एक्स का मान छह। अब x का मान क्या होना चाहिए एक होना चाहिए, एक नहीं है छह, तो यहां पर ये क्या है हल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे तीसरा सवाल है, इसके हमने पूरे पांचों भाग कर लिए। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा सवाल, ये सवाल इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, तो इसे ध्यान से देखिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर दो वाई बराबर एक समीकरण दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर के का एक हल हो। देखिए यहां पर k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर x बराबर तो रखेंगे दो और y बराबर एक रखेंगे इस समीकरण में, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर के है, यहां पर x बराबर दो रखेंगे और y बराबर एक रखेंगे, तो k का मान क्या आता है देखो दो गुणा दो प्लस तीन गुणा एक बराबर के, दो दूरी चार प्लस तीन एकम तीन बराबर के, तो के चार और तीन सात, के का मान क्या निकल गया सात, ठीक है। तो इस समीकरण में जो के का मान क्या है सात है, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 ये खत्म होती है। आपको इस एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और जो 9th क्लास के अलावा कौन सी क्लास पढ़नी है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी वो एक्सरसाइज आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।